जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का चैप्टर 16, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी और UKPSC व UKSSSE द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2011 में। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में रहने वाले हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिविजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितने प्रतिशत की गई है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50% तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3%। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिलाओं से। याद रखिएगा, राज्य में संचालित जो स्वाधार योजना है इसका संबंध महिलाओं से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों, वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ग को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, ऑप्शन बी, 2006-07 को, ठीक है, वर्ष 2006-07 को जो है राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, डोली सेवा का जो शुभारंभ है ये किया गया था ऑप्शन बी, अप्रैल 2012 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का जो शुभारंभ है ये हुआ था 2018 में, ठीक है, ऑप्शन डी, वर्ष 2018 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो दोस्तों, राज्य जायका जो परियोजना है ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्य जायका परियोजना है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन 12, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के लिए। क्वेश्चन 13 है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? तो दोस्तों, 1200 रुपए जो है कुल पेंशन स्वरूप दिया जाता है किसके लिए? वृद्धों के भरण पोषण के लिए। चलिए क्वेश्चन 14 है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन सी, 5% का आरक्षण जो है पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में दिया गया है। क्वेश्चन 15 है, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमा कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? तो दोस्तों, पूर्व में भी हमने देखा था 1200 रुपए दिया जाता है। क्वेश्चन 16, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना कब से चलाई जा रही है? तो दोस्तों, सबला योजना का जो शुभारंभ है ये हुआ था वर्ष 2010 से। क्वेश्चन 17, राठ विकास अभिकरण की स्थापना कहां की गई? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौड़ी जनपद में राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। क्वेश्चन 18 देखिएगा, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, 50% का जो है आरक्षण का प्रावधान यहां पर किया गया है। क्वेश्चन 19, राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हेतु दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन कितना दिया जाता है?
तो दोस्तों ऑप्शन डी, 10,000 रुपए जो है प्रति माह पेंशन दिया जाता है किसके लिए? राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन कितना दिया जाता है? तो दोस्तों जो सामान्य आंदोलनकारी है उन्हें जो है 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास के अंतर्गत ही हमारा परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 16 था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर 17 के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।